जिंदगी कभी कभी ऐसे रास्तों पे ले आती है जहां आपने सपने पूरे करने के लिए अपनों से दूर जाना पड़ता है। मैं आज तक अपने परिवार से कभी दूर नहीं रहा, और मैं अब इस समय, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं यूके में बैठा हूँ और मेरी फैमिली इंडिया में है। कहते हैं ना, सपने जीतने हैं, लेकिन मन में एक अजीब सी खाली जगह है, वो मुझे आज महसूस हो रही है, क्योंकि मैं अपने परिवार को रोज मिस करता हूँ। क्योंकि उठते उठने सुबह उठने से लेके रात के सोने तक के मैं उनके साथ रहा करता था। उनके साथ खाना, उनका डांट, उनके साथ झगड़े, सब कुछ होती थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं वो सब मिस कर रहा हूँ। मेरा नाम है सिकास गुप्ता, मैं हूँ आपका अपना ओए व्लॉगर, और ये है मेरी कहानी, इंडिया से यूके आने तक की सफर की कहानी, जो आप लोग अब देखने जा रहे हो। आज घर पे मेरा आखिरी दिन है मम्मी पापा के साथ। आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ दूर हो जाएगा। यहाँ की हर एक छोटी बात अब कितनी खास लगती है, चाहे वो सुबह की चाय हो या पापा का छोटा सा डांटना। जब मैं अपने सपनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन घर वालों से दूर जाना जितना सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल है। लगता है जैसे वक्त रुक जाए और मैं ये पल जी लूं। एयरपोर्ट तक आते आते दिल में एक भारीपन महसूस होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे अपने घर वालों को छोड़ के इतने दूर जाने का हौसला लाऊं। हम सब एक दूसरे को देखते रोते जा रहे हैं, आंसू रुक नहीं रहे। मेरा भाई जो कभी नहीं रोया, वो मुझे गले लगा कर बहुत रोया। मेरी बहन जिससे मैं बहुत लड़ता था, वो उसको देख के आंखों से आंसू रुके ही नहीं रहे। ये मेरा आखिरी पल, मुंबई एयरपोर्ट, जहाँ से मैं अपने सामान के साथ लथपथ होके निकल रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं यूके जा रहा हूँ अपने हायर एजुकेशन के लिए। सब मुझे विदा करने आए हैं, मुझे फेयरवेल देने आए हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट्स दिए, अपने फ्रेम फोटो फ्रेम दिए, जहाँ पर जिसे मैं देख सकूँ, यहाँ आने के बाद याद कर सकूँ उन सबको। तो उन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये है मुंबई एयरपोर्ट, जो कि इस तरह दिखता है अंदर से। मुंबई एयरपोर्ट पे मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिली, जो मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी। हमारा सब कुछ हो चुका है, सिर्फ अब इमिग्रेशन बचा है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा गर्दी है। सिक्योरिटी वगैरह में भी इतना टाइम नहीं लगा। ऐसे तैसे करके हमने इमिग्रेशन क्रॉस किया, लेकिन हम बहुत लेट हो चुके हैं। हमें जल्द से जल्द हमारा प्लेन पकड़ना होगा। एक तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, मुझे कुछ पता नहीं कि कैसे जाना है, कहाँ जाना। जैसे ही प्लेन में बैठा, मैंने ये फ़ोटो ली अपने फैमिली को भेजने के लिए। लेट नाइट फ्लाइट होने की वजह से बाहर का व्यू कुछ नहीं दिख रहा था, इसके लिए अंदर से ही वीडियो निकाल निकाल के अपने फैमिली को भेज रहा था। प्लेन में एंटरटेनमेंट के लिए ये ईयरफोन्स और प्लग्स दिए थे। प्लेन टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद हमें नाश्ता दिया जाता है, फिर सब सो गए, मैं भी सो गया। जैसे ही सोया, फिर सुबह सुबह हमें नाश्ता दिया गया वापस से खाने के लिए। खाते ही और थोड़ा रिफ्रेशिंग लगा, जिसमें बहुत कुछ थे आइटम, फ्रूट्स, डोसा, इंडियन फ्रूट्स था और इंडियन डोसा था। इंडियन स्टाइल ब्रेकफास्ट हमें परोसा गया एयरहोस्टेस द्वारा। फिर हमारी प्लेन लैंड होती है एम्स्टरडम एयरपोर्ट पे, जो कि इस तरह दिखता है, जहाँ से हमें हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़नी है, जो कि 5 घंटे के डिलेड से है, क्योंकि हम हमारी पहली प्लेन डिलेड हो गई, तो इसके लिए हमारी दूसरी प्लेन भी बहुत डिलेड है। प्लेन के अंदर से ये दृश्य दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। हम ब्रिस्टल एयरपोर्ट पे उतर गए और हमने किया कैब, जो कि हमारे हमारे मंजिल तक लेके जाएगी। सबसे पहले मुझे ड्रॉप करेंगे, फिर मेरी फ्रेंड को ड्रॉप करेंगे।
Famous bridge in England. Famous bridge in England. Yeah, it's the first suspension bridge in UK. Okay. Bruno. ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं, मेरी परिवार की, मेरे दोस्तों की, मेरे सारे जानने लोगों की है। मेरी परिवार अपनी दुआओं से मेरे साथ है हमेशा। दूर जाने का डर है, लेकिन सपने पूरे करने की तमन्ना और भी ज़्यादा है। अपने सपनों को पीछा करो, लेकिन अपनों को कभी मत भूलो। सपने तभी पूरे होते हैं जब अपने अपने पास होते हैं। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल कर पाऊंगा। इसी के साथ ये वीडियो का अंत करता हूं और मिलता हूं आप लोगों से अगले ब्लॉग में।